नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मैं यही कामना करती हूँ कि आप सभी सदैव व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। दर्शकों, यदि आपने सपने में लाल रंग के पर्दे देखे हैं तो जी हाँ, हम आपको इस वीडियो में इसी सपने का अर्थ साथ ही साथ आपको एक उपाय बताने वाले हैं कि यदि आप ये स्वप्न देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, यदि आप सपने में लाल रंग के पर्दे देखते हैं तो यह सपना यह दर्शाता है कि जल्द आप किसी शादी के फंक्शन में जाने वाले हैं। जी हाँ, सपने में लाल रंग का पर्दा देखना शुभ संकेत माना जाता है और यह शुभ अवसर पर आप सज धज कर तैयार होकर जाने वाले हैं इसलिए इशारा करता है। यदि आप लड़की हैं, महिला हैं, तो यह सपना आपके लिए और भी अच्छा है क्योंकि आप लोगों को शादी अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है, तो आपको आपकी पुरानी सहेलियाँ जो हैं वो भी मिल सकती हैं और आपको आनंद आने वाला है। इसलिए सपना एक बेहद ही अच्छा संकेत देने वाला स्वप्न माना जाता है। दर्शकों, अगर आप ऐसा स्वप्न देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। अगर आप ऐसे स्वप्न देखते हैं रात के 12 से 2 बजे के बीच में तो सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त होगा। यही स्वप्न आप 2 से 4 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त होगा और यही स्वप्न आप 4 से 6 बजे के बीच में देखेंगे, सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, अब यदि बात की जाए कि आप इस स्वप्न को दोपहर या फिर शाम को सोते हुए देखते हैं तो इसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा और ये सारे स्वप्न एक निरर्थक स्वप्न माने जाएंगे। अब दर्शकों, और बात की जाए कि आप ऐसे शुभ संकेत देने वाला स्वप्न देखते हैं तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप इस सपने को किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से आप इस सपने को शेयर करेंगे, बताएंगे, उतना ही जो उसका शुभ परिणाम है वह कम हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश यही करिए कि आप इस सपने को बस अपने तक ही सीमित रखें तो ये आपके लिए बेहद होगा। अब दर्शकों, यदि आप अपने सपने को देखते हैं तो आपको ईष्ट देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपको आपके सपने का अधिक से अधिक फल प्रदान करें, तो आपके लिए बेहद ही लाभकारी स्वप्न है। बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, आप सभी का मंगल हो। आप सभी सदैव व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें। भगवान श्री विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव व्यस्त रहे। राधे राधे।